नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारुक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि होंठ फटने का प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पे जो हम वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से होंठ जो है वो फटने लगते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम देखें तो होंठ की तरह ही एड़ियों का फटना, ये प्रॉब्लम होता है कि जो एड़िया होती है, क्रैक हिल्स का जो प्रॉब्लम है वो होने लगता है। फिर दूसरा हम हेल्थ प्रॉब्लम देखें तो त्वचा पर रूखापन होना, यानी कि जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है। आप काफी ज्यादा आपने ट्राई किया अलग अलग, फिर भी स्किन जो है वो ड्राई रहती है, ड्राइनेस हो जाती है स्किन के। और उसी तरह से बालों में भी ड्राइनेस रहती है, हेयर जो है वो ड्राई होने लगते हैं और उसके कारण हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे और भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। फिर पांचवा हम देखें तो सिर का डैंड्रफ होना, कि जो बालों के अंदर या फिर जो सिर में डैंड्रफ जो है वो देखने को मिलती है। छठा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जोर है, वीक इम्यूनिटी है आपकी। फिर सातवां प्रॉब्लम है कि हेयर प्रॉब्लम्स होना, कि जिसके अंदर हम देखें तो बालों का टूटना, बालों की चमक जो है वो कम होना हो जाना, बालों का डैमेज होना, बाल पतले हो जाना और बाल जो है वो बेजान दिखने लगते हैं, मतलब कि हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर एक ये प्रॉब्लम है कि स्किन की खूबसूरती बढ़ानी है और निखार लाना है आपको, तो उसके लिए भी ये जो कैप्सूल है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और हार्ट की बीमारी को जो है वो रोकनी है। और दसवां हम प्रॉब्लम देखें तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। तो ये जो 10 अलग अलग प्रॉब्लम है, ये 10 ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली एक बहुत अच्छी कैप्सूल और एक मेडिसिन के बारे में हम समझते हैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, कि जिसका नाम है एवियन 600 कैप्सूल, कि जिसके अंदर विटामिन ई रहता है खासकर। तो जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो ये ऐसे क्लास का हम मेडिकेशन कह सकते हैं कि जो विटामिन सप्लीमेंट्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होता है और उसका जो ब्रांड नेम है वो एवियन है। और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो विटामिन ई है और 600 मिलीग्राम जितना एक कैप्सूल के अंदर विटामिन ई जो है वो प्रेजेंट होता है। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो P&G उसके मैन्युफैक्चर होते हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में आपको बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे ही अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो अब ये हमारी बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, उसको आप जरूर से परचेस कर सकते हैं। तो बुक को परचेस करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ये कलरफुल प्रिंटेड बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये बुक को आप जरूर से ऑर्डर कर सकते हैं। आगे समझते हैं वीडियो में। तो P&G जो है उसके मैन्युफैक्चर है, कि जो एक इंडिया में उसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। एवियन की हम बात करें तो एक जो ब्लिस्टर पैक के अंदर आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल रहेगी और उसकी जो प्राइस है वो है 56.8 रुपीज़ रहेगी 10 कैप्सूल की एज ऑन जनवरी 2024। कुछ साइड इफेक्ट्स हम देखें तो उसके कारण डिजीनेस हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, विजन ब्लर हो सकती है, सर दर्द, डायरिया, फ्लैटुलेंस, फटीग, वीकनेस, मतलब कि अगर ये मेडिकेशन किसी को सूट नहीं करती या फिर कोई काफी हाई डोज में उसको यूज करता है तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो उसके वार्निंग्स क्या रहेगी यूज करने पर, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी है जिनके शरीर में, वो ये कैप्सूल को यूज ना करें, डायबिटीज के पेशेंट यूज ना करें, फिर किसी को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही है, रीनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहे हैं, या फिर आई की जो रेटिना है वो किसी के डैमेज है, तो ये सब वार्निंग्स रहेगी। एक और वार्निंग ये है कि प्रेगनेंसी में उसको यूज ना करें, बिकॉज विटामिन ई का प्रेगनेंसी के दौरान डोज रहता है खासकर 22 से 30 मिलीग्राम जितना पर डे, जबकि एवियन के अंदर 600 mg जितना विटामिन ई जो है वो प्रेजेंट है, तो उसी के कारण प्रेगनेंसी में उसको यूज नहीं किया जाता। फिर कुछ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हम देखें तो कौन से दूसरी दवाइयों के साथ आप एवियन को यूज ना करें, जैसे कि वारफेरिन है, ऐसी नोक्यूमारोल करके जो मेडिसिन आती है उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन में यूज ना करें, फिर हिपेरिन है और कॉलेस्टाइरामाइन, तो इन सभी के साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन ई या फिर एवियन को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो